गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर रीडिंग द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। टिल नाउ वी हैव स्टडीड पैगी एंड मैडी वांटेड टू मीट वांडा एंड टेल हर दैट दे वर सॉरी फॉर देयर रूड बिहेवियर एंड मैडी वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे। अब उन्होंने ये तो सोच लिया कि हम ये सब कहेंगे, बट क्या वांडा पेट्रॉन्स की उन्हें घर पर मिलती है? लेट्स रीड टू नो द स्टोरी। I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. Maddie is saying here, एक little white house की तरफ point out कर कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है, it was the place where Wanda Petronski live. The Petronskis word is used for the family of Wanda Petronski. Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kitten. अब रास्ते में Wisp of old grass, it means small bunches of grass. Grass के bunches थे इधर उधर और वो कैसे दिखाई दे रहे थे? Thin kittens की तरह दिखाई दे रहे थे. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. House और little sparse yard means सामने का आंगन जो था वो बहुत छोटा था. House और small little yard वो कैसा दिखाई दे रहा था? Shabby means in poor condition में था but clean था. अब ऐसे house को देखकर कि वो shabby था but clean था, Maddie को क्या remind हो जाता है? It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. कि Wanda जो blue color की dress daily पहन कर रखती थी वो भी वैसी ही थी, shabby but clean थी. There was not a sign of life about the house. It means no one could be seen around the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. It means they knocked both at the front and backyard doors, but there was no answer. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? It means there was no doubt, it was clear कि they have gone, वो जा चुके हैं, but अब वो क्या कहते हैं कि अब हम make amends होता है सुधार करना, कि अपनी जो गलती है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं. They turned slowly and made their way back down the hill. It means they came back from Bergen Heights. अब Wanda Petronski उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती है, वो वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी गलती को अब कैसे सुधारें. Well, anyway, said Peggy, she has gone now. So, what can we do? It means Peggy is saying here कि ठीक है, well, anyway, अब वो जा चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. अब Peggy यहाँ क्या कह रही है? It means वो अपने आप को क्या करना चाह रही है? कंफर्ट करना चाह रही है. इट मीन्स अपने आप को तसल्ली देना कुछ कहकर. तो वो ऐसा कह रही है कि जब भी मैं उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो शायद ऐसा करके मैंने क्या कर दिया है, उसे आइडियाज़ दे दिए हैं ड्राइंग बनाने के नए नए. कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछती थी तो उसे नए नए आइडियाज़ मिल जाते थे अच्छे ड्राइंग बनाने के. इट मीन्स मेरे क्वेश्चन पूछना भी जो क्या है, उसने उसकी हेल्प की है टू मेक गुड एंड ब्यूटिफुल डिज़ाइन. She might not even have won the contest otherwise. Otherwise, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो contest नहीं जीत सकती थी. It means उसे ये ideas इसीलिए आए हैं क्योंकि मैं उसे question पूछती थी. देखिए, पैगी कहीं ना कहीं फील कर रही है कि उसने जो किया गलत किया, बट वो ओपनली कुछ नहीं कहना चाहती. शायद वह यह सोच रही है कि यदि वो ऐसा करती है तो सभी उसका मजाक बनाएंगे. तो वो क्या कहती है, इसलिए वो इस तरह की बातें करके अपने आप को तसल्ली देना चाहती है. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड फॉर, क्योंकि इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. अब मैडी क्या है, अपने माइंड से इन बातों को निकालना चाहती है, इसलिए अपने आइडियाज़ को टर्न कर रही है, मतलब अपने दिमाग को घुमाना चाहती है, टर्न करना चाहती है. और यह भी सोच रही है कि भी मुझे इतना बैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने माइंड को अब Wanda Petronski से हटाना चाहती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. शी थॉट अबाउट Wanda एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर those 100 dresses made all lined up in the classroom.
इट मीन्स जो मैडी है उसकी अंतरात्मा उसे अंदर से अभी भी प्रिक कर रही है कहीं ना कहीं कि जो उसने किया गलत किया. सो दैट्स वाई शी कुड नॉट स्लिप दैट नाइट एंड कैप्ट थिंकिंग ऑफ वेंडा, हर ब्लू फेडेड ड्रेस, हर लिटिल हाउस एंड हर ब्यूटिफुल पिक्चर्स. एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट्स. अब एट लास्ट मैडी क्या करती है, उसे नींद नहीं आ रही है तो वो बैठ जाती है बेड पर, अपने फोरहेड को प्रेस करती है अपने हाथों से और बहुत ज़्यादा सोचती जा रही है. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, कि इसने इतनी ज़्यादा पहले कभी नहीं सोचा था जितना कि वो आज सोच रही थी. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. अब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद या बहुत समय बाद वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुँचती है कि अभी तक उसके माइंड में वेंडा, अभी तक जो उसका माइंड है उसने वेंडा के बारे में सोचना बंद नहीं किया है. अब वो कौन से कंक्लूजन पर पहुँचती है, अब वो क्या डिसाइड करती है, व्हाट डज शी डिसाइड दैट नाइट. She was never going to stand by and say nothing again. Stand by means silently. कि अब वो चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी. It means she decided that she would not keep quiet. If she ever heard anybody picking on someone, picking on it means making, mocking, fun करना, making fun of someone. यदि कोई किसी का fun करता है, if someone made fun of anybody before her, तो she would not keep quiet. अब वो भी किस लिए किसी का मजाक उड़ाना, because they were funny looking और because they had strange names, कि funny looking है वे, उनके strange names हैं, she would speak up, कि she would not keep quiet, she would speak up. अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो वह चुप नहीं रहेगी, वो बोलेगी. इट मीन्स उसका अपोज करेगी, इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग फैगीज फ्रेंडशिप, चाहे वो उसे फैगी की फ्रेंडशिप को ही लॉस करना पड़े, शी वुड नॉट माइंड इवन इफ शी हैड टू लूज फैगीज फ्रेंडशिप. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. It means she had no way of making things. She had no other option to make things right with Vanda. कि अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए. अब वो पास्ट में तो नहीं जा सकती, ना ही वो उसके साथ कोई फ्रेंडशिप कर सकती है, ना ही उसे यह बता सकती है कि वह उसे पसंद करती है. तो उसके उसने क्या सोचा कि आज से ही, फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से ही मुझे क्या करना है, आज के बाद जो है वो शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, कि अब वो कभी भी दोबारा किसी को दुखी नहीं करेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगी कि कोई दुखी हो जाता. इस तरह से मैडी कंटिन्यू क्या कर रही है, गिल्ट फील कर रही है कि उसने जो किया है वो उसमें वो सुधार करना चाहती है. क्लियर कि उस रात उसने क्या डिसीजन लिया है, शी विल ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग्स. दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू.